चलो मैम, अब इसमें दशा किस तरीके से देखनी है? हम लोगों की जो विंशोत्तरी दशा होती है, हम लोग और दशा पहचान जाते हैं कि दशा हमारी कैसे शुरू होगी। दूसरों की दशा हम कैसे पहचान जाते हैं? हमें पता है चंद्रमा मेरा इस नक्षत्र में है, तो भाई इससे मुझे दशा सीक्वेंस मिल जाएगा। लेकिन इसमें मुझे किस तरीके से दशा सीक्वेंस को पहचानना है, मतलब किस तरीके से मुझे दशा निकालनी है? तो जब मुझे दशा निकालनी है ना, तो हम लोगों का इसमें मतलब दशा क्रम लगा लो या दशा का ऑर्डर, जो भी आप लोग इजी मानो, उस तरीके से आप लोग इसको करते हुए चल लोगे कि दशा का क्रम किस तरीके से बनेगा। तो मुझे लगन मिलेंगे इसके अंदर, जो भी लगन मिल गया मुझे यहाँ पर, तो बढ़ते क्रम में और घटते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब है एंटी क्लॉकवाइज, घटते क्रम का मतलब है क्लॉकवाइज। ठीक है, इस चीज को समझिएगा यहाँ पर। अब मेरा लगन, यदि आपका लगन 5 नंबर का, 6 नंबर का, 7 नंबर का, 11 नंबर, 12 नंबर, 1 नंबर का लगन है, तो जो भी मेरी दशा चलेगी बढ़ते क्रम में चलेगी। अगर मेरा लगन 5, 6, 7, 11, 12, 1 नंबर का लगन है, तो जो भी मेरी दशा चलेगी बढ़ते क्रम में चलेगी। और यदि मेरा लगन 2, 3, 4, आपका 8, 9, 10 है, बच गया जो, तो जो भी मेरी दशा है घटते क्रम, उल्टे क्रम में चलेगी, मतलब क्लॉकवाइज। बैकवर्ड ये बढ़ता क्रम हो गया, ये घटता, मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज। यहां तक की कोई दिक्कत है तो प्लीज एक बार बोलो, बाकी मैं एक बार चार्ट बताकर भी आपको बता रही। यहां तक की कोई दिक्कत? एग्जाम्पल के लिए नहीं मेरे पास जो, हाँ सुन, मैं सुनो, बोली सुनो, अच्छा नहीं ये वाला लगन वाला व्यक्ति, इसकी दशा किस तरीके से चलनी है हम लोगों की? जब ये पैदा हुआ तो कौन सी दशा चलेगी मेरी? 7 की दशा चलेगी। दशा, महादशा की बात कर रही हूं मैं आपके आगे एग्जाम्पल। तो ये महादशा, दशा किसकी चली? 7 की चलेगी। फिर अगली दशा किसके चलेगी? कहाँ पर है ये मेरा? बढ़ते क्रम में है। ठीक है, अगली दशा यस किसकी चलेगी मेरी? 8, 9। 8 का मतलब वृश्चिक, 9 का मतलब धनु, मतलब इस तरीके से आपकी दशा चलेगी। मैं नंबर लिख रही हूँ, ठीक है, इसकी आपकी दशा चलती हुई जाएगी। यहां तक की कोई कंफ्यूजन तो बोलिए जी। नहीं ठीक है, सेम। यदि हम लोगों का कोई लगन आ गया, ऑपोजिट लगन लिख लिया, यदि आपका लगन 3 नंबर का है, तो दशा कैसे चलेगी? 3, 2, 1, 12, 11, ये आपकी महादशा का सीक्वेंस हो जाएगा। उल्टे क्रम में, मतलब घटते क्रम में, क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज चलेगा। अब कौन सा आपका लगन है, एक बार मुझे लगन बता दो। कौन सा? कैप्रिकॉन 10 नंबर का मेरा लगन है। अगर मैं यहाँ हाँ पर तो 10 नंबर पीछे के लगन की, जाएगी तो कैसे? 10, 9, 8, 7, 6, 5। हाँ, इस तरीके से आपकी लगन की वो चलेगी। आ गया किसी का 6 नंबर का लगन, हम लोगों के पास आ गया 6 नंबर को लगन बनाकर, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इस आगे तरीके से मेरी ये जाएगी चीज ठीक चलेगी। तो यहाँ पर मतलब ये हमारा 7 नंबर के लगन से ये चीज हमारी चलेगी। इसमें तो किसी प्रकार की दिक्कत नहीं। नहीं अब इसके अंदर ही अगर मुझे देखना हो, अब कई लोग क्या करते हैं, हम लोगों को बोलते हैं कि भाई अब एक क्रम तो ये है देखने का, बिल्कुल सीधा है, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फिर भी कई लोग बोलते हैं D9 में देख लो, D9 में कौन सी राशि लिखी हुई है, D9 में कौन सी राशि लिखी हुई है, उस राशि के हिसाब से भी लगन को देखकर आप जजमेंट ले सकते हो। लेकिन उसके लिए फिर हम लोगों का रूल चेंज हो जाता है थोड़ा सा। जो भी रूल आपको इजी लगेगा, ये रूल वैसे तो इजी है, दूसरा रूल भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये हमारा इजी है। अब क्या बोल रहा है, दोनों ही चार्ट हम लोगों के आस पास है। अब क्या बोल रहा है, यदि D9 चार्ट में आपकी 1, 2, 3, 7, 8, 9 नंबर की राशि लिखी हुई है,
नंबर की राशि लिखी हुई है तो एंटी क्लॉकवाइज लगन से चलेंगे। यहां पर यदि आपकी ये वाली राशि लिखी हुई है तो एंटी क्लॉकवाइज लगन से चलेंगे, तो लगन वही आ गया हम लोगों का, फिर से वही हिसाब हो गया, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ते क्रम में जा रही। अब नेक्स्ट में हम लोगों को क्या बोल रहा है, यदि D9 में 4, 5, 6 आपकी 10, 11, 12 नंबर की राशि लिखी हुई है तो लगन से हम लोग क्लॉकवाइज चलेंगे। या तो ये सूत्र ले लो या ये वाला सूत्र देख लो, जो आपको सूत्र इजी लगता है भाई। यस ठीक है, अब ये चीज इसने हम लोगों को बोल दिया। अब इसी में ही ये हम लोगों को बोल रहा है, जिसकी भी मेरी महादशा चल रही है उसी की उसकी अंतरदशा हम लोगों की चलेगी। अब हम लोगों को अंतरदशा निकालनी है तो अंतरदशा किस चीज की हम लोगों की चलती हुई जाएगी, इस चीज को एक बार हम लोग जज कर लेते हैं। जो हम लोगों ने घटताक्रम बढ़ताक्रम पहले लिखा था वो मैं फिर से लिखी, जो हम लोगों ने सीधा क्रम लिखा था अपना 5, 6, 7, 7 आपका 11, 12, 1 ये वाला था, ये था आपका एंटी क्लॉकवाइज मतलब बढ़ता क्रम। कौन कौन सा हो गया मेरा यहाँ पर 2, 3, 4 और आपका 8, 9, 10 ये हो गया आपका घटता क्रम। हम लोगों ने बोला इसके अंदर जो मुझे पहली चीज मिलेगी वो किस चीज की मिलेगी, पहली 7 की मिलेगी, 8, 9, 10 नो no. इस तरीके से मुझे मिलेगा। ये आपकी वो है तुला हो गई है, वृश्चिक, धनु, मकर, इसमें कंफ्यूज मत हो। और इसकी अगर बात करें तो इसमें मैंने बोला 3, 2, 1, 12, 11। अब जब इसके अंदर मुझे अंतरदशा किसकी मिलेगी, 7 के अंदर मुझे अंतरदशा किसकी मिलेगी, 7, 9, 10 यहां ले इसको मैं, तो किसकी मिलेगी पहली अंतरदशा मुझे इसके अंदर, आठ के यह नहीं। क्रम है यहां पर बढ़ता क्रम में है क्योंकि ये मेरा हाँ बढ़ते क्रम में है। अब किसकी मिलेगी, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 या ये हो गई। अब इसके अंदर राइट। वृश्चिक के अंदर किसकी मिलेगी मुझे, वृश्चिक ऋषि के के अंदर अंदर किसकी बैकवर्ड घटता से मिलेगी क्रम, सात छ 8 नंबर हमारा कहाँ आ गया, पांच घटते क्रम में आ गया हम लोगों घटते का यहाँ पर, क्रम तो हम लोगों का 8 नंबर ये हो गया, तो आपका क्या आ गया, 7, 6, 7, सात छ पांच 4 5, 4, 3, 2, 1, 12, 3 2 1 11, 12 11 आपका था एंड 9 9, 10 8। ना बस मतलब अंतरदशा को भी अब आपने इसके तरीके से समझते हुए चलना है। इसमें कोई दिक्कत है नहीं तो एक बार प्लीज मुझे बोलो। अब आगे मुझे दशा क्या मिली, आपकी ये धनु की मिली मतलब 9 नंबर की मिली। अब 9 नंबर मेरा किधर है, घटते क्रम में लिखा हुआ है। मतलब अंतर दशा जो आपने जजमेंट करनी है इसके तरीके से जजमेंट करोगे कि वो ऊपर लिखा हुआ है या कहाँ पर लिखा हुआ है, इस तरीके से हम लोगों की जजमेंट होती हुई चलेगी। ठीक है, एक बार मैं आप एक दो चार्ट आप लोगों से लूंगी और आपसे करवाती हूँ। ये 9 नंबर का है तो अब 9 नंबर में मैं किस तरीके से चलूँ, कहाँ चलना है मुझे, यहाँ पर घटते क्रम में चलते हुए जाना है। तो 9 हो गया मेरा, हाँ 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 12, 11, 10, 9। ठीक है, इस तरीके से हम लोग चलते हुए जाएंगे। अब 2 लगन आप लोग कोई बोलिए और एक बार आप लोग प्रैक्टिस कर कर मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ कितने साल की होती है उसके ऊपर पे। सबसे पहले तो मैं ये आप लोगों से एक बार करवा लूँ कि आप लोग कहाँ अटकते हो। जी दीजिए, पहले चार्ट दीजिए। मैम 11 नंबर। एक अब आप लोग काम करवा देना मेरे साथ। सबसे पहली दशा हमें कौन सी मिलेगी मतलब महादशा, इसके अंदर 11 नंबर की कुंभ की मिलेगी, 11 के बाद बारह आगे फॉरवर्ड में जाएगी कुंभ की मिलेगी। अब इसको चलाना कैसे है मुझे, एंटी आगे। क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज भाई, 11 नंबर है कैसे चलाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाना है मुझे यहाँ पर। ठीक बारह है ना, कैसे मिलेगी मतलब इसको यहाँ पर 12, 1, 2, 3 1 2 ये ले लिया3 मैंने, ये तो हो गई है इस व्यक्ति की मेरी महादशा। हम्म
ये तो हो गई है महादशा। पहली दशा किसकी मिली इसको? कुंभ की मिली। बारह दूसरी दशा मीन की मिली। तीसरी मीन की, दशा मेष की मिली। मेष की, चौथी चौथी आपकी सौरस्ट, वृषभ की, आपकी जमनी, मृत्युंजयमिनी की। ग्यारह हाँ जी सर, मेरे से अच्छा 11 नंबर में जब मुझे यहाँ पर मिली। अब इसको फिर मुझे देखना है कहाँ पर है भैया अंतरदशा के लिए। बढ़ता बढ़ता क्रम, बढ़ता क्रम कैसे हाँ, लिख लूँ इसको? ग्यारह अंतरदशा पहले बारह किसकी आएगी? पाइसिस की आएगी बारह आपकी, पाइसिस छह। है, मेष, टॉरस, जमिनी, कैंसर, लियो, ये अंतरदशा आ जाएगी मेरी, जी मैम, इसमें कोई दिक्कत यहां हाँ तक ठीक नहीं, है? और जब इस व्यक्ति की, हम लोगों की, वृषभ की आई, तो वृषभ में क्या होगा? जब वृषभ की उल्टा महादशा आई, अब क्या करना है मुझे वृषभ की महादशा में? मैम, मैम एक ये तो बारह घटता ग्यारह क्रम आएगा, हाँ, एक बारह वृषभ में हाँ बिल्कुल उल्टा, ठीक है, घटता क्रम हम लोगों का आ जाएगा। ये रहा हम लोगों का वृषभ। 1, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। आठ सात छ, सबसे एंड में वो सीक्वेंस आ गया ठीक है। एक तो हो गया हम लोगों का ये वाला लगन, एक अलग लगन दे दीजिए। मैम तीन वाले में भी घटता क्रम ही आएगा, तीन वाले में शुरुआत में घटता क्रम आ गया हम लोगों का। 2, 3 नंबर का लगन, 3 नंबर का हम लोगों का। अच्छा इसमें बात कर रहे हो? ठीक हाँ जी मैम, ठीक हाँ, 3 नंबर का जब हम लोगों का आ गया तो यह घटता क्रम आ जाएगा। क्या हो जाएगा? दो आपका, एक, एक, 12, 11, 10, 9, बारह, ग्यारह, इस तरीके से। दस, मतलब ये हम लोग, ये जो हम लोग लिख रहे हैं गिनती, ये गिनती नहीं है, ये राशि है। बस इस चीज में कंफ्यूज नहीं हो रहा, ये राशि है हमारी, ये राशि है हमारी। वृषभ हो गया, मेष हो गया, ये हो गई, ये हो गई। हाँ, किरण मैम हम लोग दशा समझा रहे हैं कि दशा को किस तरीके से जज करना है ठीक है, ये चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे थे। नेक्स्ट कोई लगन दे दो, नेक्स्ट लगन दे दो, उसके बाद फिर नहीं तो मैं आगे बढ़ू। दे रहा है कोई लगन? नहीं समझ आ गया मैम, आ गया समझ में आ मुझे? गया, चलो हाँ जी, ये वाला लगन अंतरदशा, अंतरदशा हम लोगों को समझ आ गई किस तरीके से हमने दशा में अंतरदशा को जज करना है। जो भी मेरी महादशा उल्टे क्रम की चलेगी, सीधे क्रम की चलेगी, उसके हिसाब से मेरी अंतरदशा जज लगेगी कि किस तरीके से हमने अरे अंतरदशा को जज करना है। अब चलते हैं अगले रूल पर। इसमें थोड़ा सा ब्रीफ करना, क्या कब बताया गया है, थोड़ा सा। अच्छा किरण मैम, हम लोगों ने ना दशा अंतरदशा बताया है अभी ठीक है। मेरा जो भी लगन है ठीक है, एक बार थोड़ा सा, एक बार कोई भी लगन दे दो मुझे अपना। 4 नंबर का लगन मैम मेरा, हम लोगों का 4 नंबर का लगन है। हम लोगों ने क्या किया किरण मैम, थोड़ी देर पहले ना हम लोगों ने राशियां लिखी। जो ये राशि आई है ना मेरी, ये उल्टे क्रम में आई है। मतलब जो ये मेरी दशा चलेगी ना, ये क्लॉकवाइज चलेगी हम लोगों की दशा। जो ठीक ये वाला लगन है, इस लगन की दशा क्लॉकवाइज चलेगी। तो इसकी दशा किस तरीके से चलेगी हमारी? 4, 3, 2, है, 1, 12, 11, इस तरीके से चलेगी इसकी दशा। अब ठीक हमने है, कहा इसी के अंदर अंतरदशा किसकी चलेगी। अब ये 4 हम लोगों का मिला है, तो 4 में हम लोगों का किस तरीके की चलेगी अंतरदशा? 3, 2, 1, 12 करते करते 4 आ जाएगा ठीक ठीक है, है। अब नेक्स्ट हम लोगों का आया 3, इसमें भी हम लोगों की क्लॉकवाइज चलनी है। नेक्स्ट आया 2, इसमें भी हमारी क्लॉकवाइज चलनी है। नेक्स्ट आया 1, इसमें हम लोगों की चलेगी बढ़ता एंटी क्रम, क्लॉकवाइज। अब एंटी इसके क्लॉकवाइज, अंदर जो मेरी अंतरदशा आएगी वो किस तरीके की आ जाएगी हम लोगों की? दो तीन, दो, एक दो तीन तीन, चार, चार, पांच, मतलब करते ठीक है, करते आपने आगे चले जाना एक ठीक है ना, पे ही इस बदलेगी तरीके से। हमेशा, नहीं, इसमें एक ही, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के हिसाब से चीज बदलेगी। हाँ एडी बदलेगी, एडी बदलेगी। ये तो हमारा सेम है, मतलब ठीक ये है तो मैम, मुझे एक सीक्वेंस मिल गया ठीक है। चंदन सर इसमें कोई दिक्कत तो प्लीज बोलिए, पीछे आप दशा एक बार मुझे बोल रहे थे ना समझाने के लिए। मतलब नहीं मैं अपना आगे सुन रही हूँ, हाँ ये तो अभी क्लियर ना ये वाला। चलते अब जी अगला मैम, मेथड, अगला मेथड मेरा, अगला मेथड में ये मुझे बोलता है कि भाई कितने वर्ष की होगी, कितने वर्ष की कोई मेरी महादशा होगी। तो वर्ष की महादशा आज क्लियर करूंगी मैं आप लोगों को। तो जब मुझे वर्ष की महादशा देखनी है कि भी ये महादशा मेरी कितने साल की होगी, तो महादशा को देखने के लिए मुझे राशि के लोड का पता होना चाहिए। राशि का लोड आप सब लोगों को पता है, 2 और 7 नंबर की राशि का लोड होता है मेरा वीनस, 9, 12 का लोड होता है मेरा जुपिटर, 5 का लोड हो गया आपका सन, 4 का लोड हो गया आपका मून, और
और छह का लोड हो गया मेरा एक मरकरी, एक बात कर रही, का एक लोड हो आठ गया आपका मंगल, आठ एक का लोड हो गया आपका आठ मंगल और केतु, 10 का लोड हो गया आपका शनि, 11 का लोड हो गया आपका शनि और और राहु। ये दो साइन तो हम लोग नेक्स्ट में कंसीडर करेंगे, और कोई साइन तो नहीं छूटा ना, ये हम लोगों के साइन पर बात करते हुए चलेंगे कि दशाक्रम कितने साल का है हम लोगों का, इसको अब मुझे जजमेंट लेते हुए चलना है, तो किस तरीके से जजमेंट लेना है राशि को, लोड को देख रही हूँ। अब जब मुझे यहाँ पर देखना है कि ये मेरा कितने टाइम की राशि है, तो आपने उल्टा क्रम, उल्टा क्रम आपको बता रही हूँ, उल्टा क्रम का मतलब हमारा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज भाई जो भी मेरी दशा चलेगी, ये तो अभी मैंने आप लोगों को क्लियर किया कि जो भी मेरी दशा चल रही है, दशा का सीक्वेंस वही है, इसमें कंफ्यूज नहीं हो, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें ये क्या बोलता है मुझे, 1 2 3 7 8 9, क्लॉकवाइज में ये मुझे यहाँ पर क्या बोलता है, क्लॉकवाइज में बोलता है 4 5 6 10 11 12। मैम एंटी क्लॉक तो बढ़ता क्रम हो गया ना। हाँ इसको बढ़ते क्रम में करना, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। अब हम लोग अब यहां पर क्या करने लगे हैं, दशा का क्रम निकालने लगे हैं, दशा का क्रम निकालने लगे। मतलब इस वाले में और उस वाले में कंफ्यूज मत होना, इस वाले में और उस वाले में कंफ्यूज नहीं होना मुझे, मरकरी ठीक है, आपका वीनस, आपका जुपिटर, मून, केतु, राहु, मार्स, सैटर्न। एक चीज लिख लो इसके अंदर, किसी भी राशि का लोड, किसी भी राशि का लोड यदि अपने ही राशि में बैठा है, किसी भी राशि का लोड यदि अपनी ही राशि में बैठा है तो उसकी महादशा 12 साल की होगी। किसी ओके भी राशि का लोड यदि अपनी राशि में बैठा है तो उसकी महादशा 12 साल की होगी। उसकी महादशा 12 साल की होगी। 8 और 11 को अभी इसलिए छोड़ूंगी कि राहु केतु को उसमें जजमेंट मुझे आपको करवानी है, लेकिन और जो भी हम लोगों की दशा होगी उसमें से हम लोग एक घटा देंगे, कदम से, कदम मैं समझाती हूँ अभी, कदम में से एक घटा देंगे, कदम में से एक घटा देंगे। अब एक बार मुझे इसकी महादशा लिखवा दीजिए, पीछे आप लोगों ने महादशा पढ़ लिया है क्योंकि, इसकी महादशा दे दीजिए पहले मुझे आप। कुंभ बताओ ना मुझे इसकी महादशा क्या लेनी है, मुझे जेमिनी से शुरू करनी है, कैसे लेनी है, 3 4 3 2 1, इसके तीन दो घटा क्रम में आएगा ना, दो से दो हाँ? मतलब घटा जो क्रम इसकी तीन दशा क्रम है वो ये है ना, तीन दो दो एक हाँ तीन एक दो घटा 12 11, क्रम ये है ना। जी। अब इसकी जजमेंट हम लोगों को किस तरीके से करनी है कि दशा कितने साल की होगी, तो जो इसकी पहली दशा मिली मुझे किसकी मिली है, आपकी जेमिनी की, जेमिनी जेमिनी का लोड कौन है जी मेरा, बुध, जेमिनी बुध बिल्कुल ठीक है ना, बुध जेमिनी का लोड मेरा बुध हो गया, यहाँ पर जेमिनी हाँ का लोड मेरा बुध हो गया, जेमिनी का लोड मेरा यहाँ पर बुध हो गया, बुध कहाँ पर बैठा हुआ है, तीसरे घर में बैठा हुआ है हमारा। अब मुझे ये बताओ, एंटी क्लॉकवाइज चलू क्लॉकवाइज चलू जी, इसको ध्यान में रखते हुए, अब जेमिनी की मेरी दशा चली, जेमिनी की मेरी दशा चली, जेमिनी कहाँ लिखा हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज में लिखा हुआ है, हाँ मैम मतलब मुझे एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो इसका लोड कौन हुआ जी मेरा, मरकरी, हाँ मैम इसका लोड मेरा मरकरी हुआ ना, तो आपको मुझे जेमिनी से कितना कदम चलना है, मुझे सॉरी एक दूसरे में बैठा कितना हो गया, 1 2, दो कदम कदम बैठा हुआ है मरकरी, जेमिनी से मरकरी दो हाँ कदम बैठा हुआ है, मैंने यहाँ लिख दिया 2, मैंने क्या बोला था, हाँ जो भी मेरी दशा है उसमें से एक घटा दूंगी कदम में से,
पद कदम कदम इसलिए इसलिए घटा घटा दूंगी। दूंगी। उसी की तरह हो गया जो आपने अभी पद कदम क्या था वो हाँ, अरुण। उसी के तरीके से हो गया, बस मैंने कहा उसके अंदर इसको मिक्स नहीं करना, है ठीक ना। है इसमें मुझे ठीक साइन चाहिए, जो भी आपका साइन उदित है, अब इसके तरीके से मुझे देखते हुए जाना है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, इस हाँ तरीके से। अब ये जेमिनी है, कौन है, मेरी पहली दशा किसकी शुरू हुई, जेमिनी की शुरू हुई, बिल्कुल ठीक बात, जेमिनी की, जेमिनी से मतलब तीन नंबर से इसका लोड कौन उठी, मरकरी, कितना कदम है, एक दो, तो दो कदम हम लोगों का बैठा हुआ है, दो कदम लिख दिया मैंने यहां पर। अब दो में से एक घटा दूंगी, पहली दशा इसकी कितने साल की हो गई है, एक साल, एक साल की हो गई ना पहली अच्छा दशा मेरी, यस मैम। अच्छा एक साल। हाँ मैम। मैं अभी एक दो चार्ट का करवा देती हूँ 2 मिनट के अंदर, थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिस करवा दो ना। अब ये किसकी दशा शुरू हुई, इसकी वृषभ टॉरस ये भी की एंटी दशा, क्लॉक वृषभ की, एक मिनट, वृषभ की दशा शुरू हुई हम लोगों की, लोड कौन हुआ हम लोगों का, वीनस वीनस, कैसे चल रहा है मुझे, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है मुझे, बढ़ते क्रम एंटी क्लॉकवाइज, तो कैसे, दोनों एक दो तीन, तीन ठीक है, यहाँ पर तीन लिख दिया मैंने, क्यों तीन लिखा कि माइनस ले है आओ, तीन प्लीज समझ जाना, प्लेनेट तो बनता कदम। है, हाँ मैम माइनस। तीन कदम दो तो ये कितने साल की दशा हो गई मेरी टॉरस की, साल 2 साल 2 साल दो साल की। अब इसके बाद मेरी किसकी दशा शुरू हुई, मेष की, मेष की मेष की दशा शुरू हुई, मेष कहाँ लिखा हुआ है जी, एंटी क्लॉकवाइज, मंगल मंगल, एक, यहीं से मुझे एक दो तीन चार पांच छह सात, सात 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 आ गया, सात में से लिख लिया, 1-6 6 साल की हो साल गई मेरी। की 6 साल इसके बाद मेरी किसकी दशा चालू हुई, 12 की, मतलब आपका मीन की, मीन, क्राइसिस मीन क्लॉकवाइज मीन कहाँ लिखा है मेरा, क्लॉकवाइज में, इसका लोड कौन हुआ जी, जुपिटर, तो एक जुपिटर। दो तीन चार, अब इसको घटते क्रम में चलेगी 12 11 10 बारह, ग्यारह, वही तो चली मैं, ठीक एक दो तीन चार, है ठीक है ऐसे जुपिटर, लगा जैसे हाँ। अच्छा कुछ, चार माइनस एक हो गया आपका, तो ये कितना हो गया, 3 साल की। अगली दशा मेरी चली किसकी, ये आपका कुंभ की, कुंभ की चली अगली दशा मेरी, कुंभ कहाँ पड़ा हुआ है जी, यहाँ पे पड़ा है, लेकिन चलना क्या है मुझे, अभी तक आपका यहाँ पे चलना है, 11 नंबर से हम लोगों का यहाँ तक मुझे चलते हुए जाना है, तो कितना कदम चलूंगी यहाँ पर मैं, 5 5 एक दो तीन चार पांच, 5 पांच हो गया यहाँ पर, मतलब 5 में से एक गया हम लोगों का आपका, 4 एक मिनट, 11 को अभी छोड़ रही हूँ क्योंकि उसमें राहु सम्मिलित होगा, उसमें राहु सम्मिलित होगा, इस वजह से मैं 11 को एक तरफ पे रख रही हूँ, 11 को और 8 को एक तरफ रखूंगी, 10 की ले रही हूं मैं अभी, 10 की अगर बात करूं तो 10 की किस तरीके से चलने वाली है मेरी, 10 की भी आपकी चार क्लॉकवाइज चलने वाली है, 10 की भी चार क्लॉकवाइज, ये देखो 10 की क्लॉकवाइज, एक दो तीन चार, चार तो चार में से एक गया तीन, तीन अगली किसकी हो गई मेरी, आपकी धनु की, धनु के धनु धनु की, अब के बताइए मुझे क्या क्लॉकवाइज कितने की है, कितने की है, 12 साल 12 साल 12 साल, 12 साल, जिस भी राशि का लोड उसमें बैठ जाएगा उसको 12 साल के लिए मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट दे दो आप मुझे कोई पत्रिका, नेक्स्ट पत्रिका दे दो, हाँ जैसे ये हम लोगों की ये पेना वाली पत्रिका हो गई ना, नेक्स्ट एक दूसरी लेना कैप्रिकॉन पत्रिका दे देना मुझे, का कैप्रिकॉन 10 नंबर मेरा इसमें 12 साल लॉस कर पहले बिठवा देना है, 8 और 11 की मैं बताऊंगी, पहले एक बार ये जजमेंट कर, अभी राहु केतु बोलूं कि नहीं बोलूं बोलो छोड़ ना दो, फिर छोड़ दो, बाद में कर लेंगे, राहु केतु को मर्ज करना है ना मुझे, एक बार ये करवाना, 10 नंबर लगन बोल दो प्लेनेट, दूसरे घर में मून सेकेंड हाउस मून फिफ्थ हाउस वीनस 6th हाउस सन 7th हाउस मर्क्यूरी 8th हाउस जुपिटर सैटर्न और 9th में मार्स इस तरीके से हम लोगों का क्रम है, ये 10 नंबर की है, उल्टा क्रम है, क्लॉकवाइज, ये उल्टा क्रम हाँ बैकवर्ड हाँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज पहली दशा 10 की हो गई है, 9 8 7 6 5 4 3, मतलब वही, इस तरीके से हमारा ये सीक्वेंस, हाँ दशा अब क्या कितने साल की है हम लोगों की, अब दशा हम लोगों की कितने साल की है, तो उसको देखने के लिए हम लोगों ने क्या करना है यहाँ पर,
अब ये 10 की दशा है हम लोगों की, दस तो की 10 दशा का है नोड कौन है मेरा? शनि सैटर्न, सैटर्न आठवें घर में, तो माइनस हो गया वन हम लाइक लोगों का। दैट हाँ जी, शनि हम लोगों का कहाँ पर बैठा हुआ है? आठ शनि ये पर। बैठा है 8वें घर में, लेकिन 10 से ये किसने कदम चलना है मुझे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, छः, ओके, छह अच्छा तो कदम। छः। छह, उल्टा 5 है। देखो ना, इस तरीके क्लॉकवाइज चलेंगे। उल्टा, राइट राइट हाँ राइट। ठीक है, अब 6 में से 1 गया मेरा, कितनी मिली मुझे पहली दशा? 5 साल अच्छा पहली ओके दशा मुझे। ऐसे मेरे को ये दशा भी अंतर दशा पर नहीं आई हूँ। नेक्स्ट मैं चल रही हूँ आपका 9 पर। 9 का लोड कौन है बीजी? मेरा जुपिटर। जुपिटर लेकिन 9 को पढ़ता चलना किस तरीके से? 9 को मुझे एंटी पढ़ता क्लॉकवाइज चलना है। अब पढ़ता मेरे चार्ट में 9 ये रहा, यहाँ पर जुपिटर तक जाना है नौ मुझे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सात 9 आठ कदम नौ आगे, नौ दो, ठीक ओके एक, नाइन माइनस आठ। फिर आठ ओके फिर तो जजमेंट लगा लेना, फिजिक्स पहुंच जाना। अभी आपकी कौन सी दशा चल रही है अभी? जी 8 को अभी मैं थोड़ा सा छोड़ रही हूँ। 8, 11 मैंने बोला, अभी बताऊंगी ठीक इसको, है एक ठीक तरफ रख दिया। नेक्स्ट मैं है आ रही हूँ 7 पर। 7 का लोड है मेरा वीनस वीनस। हाँ 7 का वीनस लोड है मेरा वीनस। अब वो अपने 7 ही को मुझे घर क्या में है करना है? एंटी क्लॉकवाइज चलना है मुझे यहाँ पर। एंटी हाँ जी क्लॉकवाइज मैम, वो अपने ही घर एंटी में में लेकिन है, वो अपने ही घर में है, वीनस दो वीनस नंबर में है अपने ना, घर नहीं में, 7 नंबर में नहीं है ना? दो सात नहीं में नहीं है। दो का हाँ, भी होता दो, है ना नो वीनस, नो, जब 2 का आएगा ना, 2 12 साल आएगा। जब 2 की दशा आएगी वो, जैसे मान लो ये 3 है ये 2 अच्छा है, टोरस की दशा है वो कितने साल की? 12 साल की। अच्छा मतलब ये नहीं है कि वो दो उनका घर है तो ना 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 ना, नहीं। नहीं, दो और सात अलग अलग इसमें हो हाँ, रहे अलग अलग हो हैं, गया ना। अच्छा अच्छा अब ठीक है आपका ये 7 की मेरी चली, तो 7 के लिए मुझे कैसे चलना है? 7 के लिए मुझे यहाँ पर एंटी एंटी क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज, एंटी कितना आपका, क्लॉकवाइज कहाँ तक जाना है मुझे? वीनस तक। तो ये 7 और 1 8 आठ हो गया, आठ 8 हो गया ना। हाँ आठ 8 माइनस 1 ये कितनी माइनस हो गई वन मेरी? इज सेवन 7। इयर्स 7 ईयर्स। 6 पर अब छह मुझे जाना है, जब 6 का लोड है मेरा मरकरी। क्लॉकवाइज कैसे चल? बिल्कुल ठीक है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज मुझे चलते हुए जाना है मरकरी तक। ठीक क्लॉकवाइज चलते हुए जाऊंगी यहाँ पर मैं। कहाँ से चलते हुए जाना है हाँ मुझे? आपका 6 से चलते हुए जाना है। तो छह से 1, 2, 3। एक दो तीन तीन ओके तो 2 साल की 2 साल की आपकी ये चीज। ठीक अब है, नेक्स्ट हो गई हम लोगों की 5 की। 5 का लोड हो गया मेरा सन यहाँ पर। तो 5 ये पड़ा हुआ है मेरे चार्ट में, और सन कहाँ रखा हुआ है? ये रहा। अब चलने का अरे तरीका बारह क्या है? साल ही आई क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। नहीं, क्यों 12 साल हुई? क्यों 12 साल? 1, 2, 3, 3 कदम है ना। अच्छा सॉरी मेरे को सैटर्न सन लगा ठीक है नहीं, 3 माइनस 1, 2। ठीक है, एक दो चार्ट और बोल दो, एक दो चार्ट और कर लो। लेकिन अभी जैसे पीछे 2 उल्टे क्रम के चार्ट, मतलब क्लॉकवाइज के चार्ट हुए, कोई वैसा तीन चार्ट दे दो। आप 2 चार्ट बोले, नंबर का मतलब मैम और कोई ग्यारह चार्ट दे दो। 3 नंबर लग गया था ना, 3 हो गया, 10 हो हो गया गया, अगले ग्यारह लगा दे दो। नंबर मतलब जिसमें हम लोगों का सीधा सीक्वेंस होता हुआ चलेगा, दे दो कोई भी। बस समझ में आया ना ये किस तरीके से हम लोग हाँ चल हाँ रहे हाँ हैं। हाँ पर बहुत ध्यान से करने की चीज है, लाइक ऐसा नहीं है कि आपको पता है, आपको बहुत सोच के फिर एक्शन लेना है, वैसी चक्री बात बनी है हुई मिलती है, लेकिन फिर भी कहीं एक बार ना सॉफ्टवेयर पीछे चंदन सर बोले, भाई इस सॉफ्टवेयर में अलग आ रहा है, इस सॉफ्टवेयर में अलग आ रहा है, इस सॉफ्टवेयर में अलग आ रहा है, इस तरीके से कोई बात हो गई थी। तो सही है, तो ओके एक तरीके से आप लोग एक जजमेंट मिल जाएगी ना। हाँ कौन सा ठीक सॉफ्टवेयर? मैं भी अंतर है दशा में भी ये जगन्नाथ होरा में भी आता है आपका, एस्ट्रो उसमें भी हाँ आता है, एस्ट्रो सेज में भी आता है। जी आज सुबह भी हम एस्ट्रो लोगों की गड़बड़ हुई है। आज सुबह हम लोग हाँ ये कर रहे थे नवतारा, उसमें भी हम लोगों में गड़बड़ हुई है। एक हाँ डी जी लाइन हाँ में कुछ आ रहा था, डी लाइन में कुछ आ रहा था, आज सुबह भी हम लोगों की गड़बड़ हुई है। देखो फिर भी चलो, आती होगी तो कर लोगे। दे दो एक बार, एक दो चार्ट जी और बोलो। 9 नंबर 9 नंबर का किरण मैम? हाँ जी हाँ जी नहीं बोलो किरण मैम, उल्टा क्रम हो जाएगा। कोई 5, 6, 7, 11, 12, 1 बोल दो। मैम एक का चार, लगा दो 11, 11 का है, मैं 11 11, का मेरा भी है एक एक का 11 लगा लेती, एक 11 लगा लेती और एक एक लगा लेती हूँ। ठीक है मैम ठीक ठीक है, इसमें प्लेनेट लिखवा दो मुझे, मैं लिखवा दूँ लिखवा दो, लिखवा दो, कोई भी लिखवा हाँ दो। मैं सेकंड में राहु राहु तो नहीं लेना ना तो छोड़ दो, क्योंकि 11 की दशा भी मैं लेने नहीं वाली, मैं नेक्स्ट में लूंगी। हाँ ठीक जी है आगे मैम बताओ। मैम थर्ड हाउस में सैटर्न सिक्स्थ हाउस में मंगल सेवंथ में सन और जुपिटर एट्थ हाउस में केतु वीनस और मरकरी
वीनस और मर्करी, और नाइन्थ हाउस में मून, नाइन्थ 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 नाइन्थ। ठीक है भाई, ये हम लोगों की पत्रिका कैसे करना है, इसकी दशा का सीक्वेंस दीजिए। मैम घटता क्रम, घटता घटता क्रम, क्रम क्लॉकवाइज। इसकी दशा का सीक्वेंस, दशा अभी मैं साल नहीं पूछ रही हूँ, ग्यारह। इसमें कंफ्यूज मत हो, अच्छा ये तो दशा के साल बताने के लिए सीक्वेंस है। तो वो तो बढ़ता ही है मैम, वो तो दशा जाके के फॉरवर्ड फास्ट किस बढ़ता तरीके से है हो जाएगी, हम लोगों आगे की बढ़ते आगे, वो तो बढ़ता क्रम में है हो जाएगी हम ग्यारह लोगों की। क्रम। ठीक ठीक है है, ठीक तो है, ग्यारह पहली जो दशा चली मेरी 11 की, जो पैदा हुआ, हमारा की बारह, 1 2 एक दो सात तीन। 5 6 7, मतलब पूरा ही करते हुए हम लोगों की दशा आ गई। ये तो हुआ दशा का, मतलब उसमें हमें पजल नहीं होना, क्योंकि इसमें पजल हो जाएंगे हम थोड़ा सा। मैं हो गई हाँ ना जी चलो मैम जैसे दशा। अच्छा मैम, इसको करती हूँ अभी, इसको करती हूँ, एक बार थोड़ा सा पूछ लूँ कि कितना आप लोगों के दिमाग में रह गया। इसमें अंतर दशा बताना जी एक बार। अब इसमें वो चलेगा जो आपने बाद में लिखाया है, अब ग्यारह इसमें की अब अंतरदशा नहीं बोला, ये इस एक दो दशा तीन है, टेन नाइन इसमें अंतरदशा दीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए, अभी हाँ दस छोड़ दीजिए, अभी थोड़ी देर सेकंड पहले करवा कर हटी हूँ, अब मैं दोबारा से क्वेश्चन पूछ रही हूँ। सेकंड का सेकंड 7 8 9 10 11 11 के अंदर तो मतलब तीन, अंतरदशा दो ना मुझे 11 भाई, और माइनस वन 11 माइनस 1 10 है सुनो, ना पहले तो मीन मैं, राशि बोलनी है ना, हाँ मीन राशि बोलनी है, मीन वही तो बोल रहे हो राशि उल्टा। बोलनी है भाई, वो वो एक मिनट जो राशि, नेक्स्ट स्टेप है मैं दोबारा, मैं अपना बोलती हूँ, मैंने शुरुआत में आप लोगों को क्लॉकवाइज से दशा ना मैम, दशा बनाना क्लॉकवाइज से बताया, ना। दशा हाँ बनाना बताया, उसके बाद जी मैंने अंतरदशा बनाना बताया, और जी दो स्टेप, तीसरे स्टेप पर मैंने आप लोगों को क्या बताया, दशा का टाइम पीरियड कितने साल का है जी। हाँ तो ठीक राइट है, अब राइट मैंने बोला जी दशा बताइए, आप लोगों ने दशा बता दी, अब मैं आप लोगों से हाँ पूछ रही हूँ जी, इसी चार्ट के अंदर अंदर मुझे दशा। अंतरदशा दे दीजिए। 10 9 8 तो हाँ जी बिकॉज चलिए, मतलब 11 है अब तो इसकी, आगे फॉरवर्ड में जाएगा, तो 12 नंबर अब की जो मेरा ये अंतर 11 है, तो 11 किस तरीके से चलेगा, मेरा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, दशा। हाँ एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, तो चलेगा, नहीं 12 क्लॉकवाइज राइट, ग्यारह क्लॉकवाइज। नंबर तेज यहाँ पलटो, तेज पर। पलटो आप लोग अपना। इसका मतलब मैम जब दशा लेनी है तो जो आपने पहले लिखाए थे 5 6 7 11 12 1 वही हाँ वाला जी सिस्टम हमें अंतर हाँ दशा में भी चलाना है। चलाना ठीक है, है बिल्कुल ठीक ठीक है, बात, हाँ जी बिल्कुल अब ठीक बोल मैं रहे हो, और जो जी, टाइमिंग का सीक्वेंस है वो इससे घटाना है। वो हाँ टाइमिंग का अलग है कि जी इजी दशा के बाद हमारी लो छोटी दशा कौन सी। इसको, आप लोग कह तो रहे हो गया हो गया, अब मैं 2 3 प्रैक्टिस करवा रही हूँ, देखती हूँ कितना मैम आप दशा लोग। बनी नहीं बनाई आएगी ना। आएगी, आती नहीं, अच्छा हो गई है, लोगों ने करी ही नहीं, अच्छा मैंने इसी कहा पे ध्यान ध्यान दो दो, नहीं नहीं मिला मिलेगी। कि ध्यान दो। अच्छा आप बताओ मुझे भाई, आप लोग बोल रहे वो ठीक है सौम्य मैम, आपने बात सही बोली कि वो उतना कदम करके, कदम नहीं पूछी मैं, मैंने बोला ये बताइए जी इसके अंदर अंतरदशा, तो अंतरदशा कैसे आ गई, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज समझ आया कैसे आ गई, मैम। 12 11 10 9, मतलब इस तरह, नहीं, आठ 12 सात छ1 जो2 भी है नॉर्मल 3 चलेगी 4 5 6, इस तरीके से चलती हुई आ गई। अब आ उल्टा। अगला हाँ पीरियड मेरा क्या है हम लोगों का, 12, 12 में भी मेरा सीधा सीधा आ जाएगा, 12 के बाद क्या, एक से शुरू करेंगे, 1 2 3 4, एक पूरा 12 तक होते हुए चले जाएंगे हम लोग। दो तीन तो अगला मेरा आ गया 1, तो ठीक है 1 में दो भी तीन क्या है मेरा, दो तीन 2 चार 5 6 7 4 5 खेलते हैं थोड़ा, 6। पहले 2 मिनट खेलते रीति हैं मैम दो अपन। में बताओ क्या करना है मुझे, रीति मैम आपसे बात कर रही हूँ, अंतरदशा बताइए जी, वृषभ के अंदर अंतरदशा पहली किसकी आएगी, रीति मैम जल्दी बोलो। इसकी अंतरदशा आएगी मैम घटते क्रम में, हाँ तो बताओ मुझे कैसे लिखना है, 1 12 एक 12 11 10 दस नौ नौ आगे जेमिनी में किस तरीके से आएगी मेरी, इसका बढ़ते क्रम में आएगी, नहीं बताओ किस तरीके से, सौम्य मैम कैसे आएगी जेमिनी में, जेमिनी बैकवर्ड की महादशा कैसे करनी है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, जेमिनी की क्लॉकवाइज सौम्य मैम पेज नहीं देखना, नो चीटिंग नहीं करनी है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज राइट, क्लॉकवाइज करेंगे हम लोग यहाँ पर, 3 2 1, 3 2 1 और अपना उस तरीके से करते हुए इसको चल लेंगे। ठीक है, हम 3 आपका उस तरीके, आपका 2 1 12 11 10 9 8 7, ये नहीं भूलना भाई, ये नहीं भूलना उसको करने के चक्कर के अंदर, दोनों ओपोजिट हो गए। नहीं और मतलब है कि अभी तो कहने का मतलब हमने सबसे पहले दशा अंतर दशा सीख ली,
उसके बाद हम दशा का क्रम सीख रहे हैं कि दशा कितने टाइम पीरियड की है, उसके बाद हम सीखे कि अंतर दशा कितने टाइम पीरियड की है। फिर ये थोड़ी ना फायदा है कि भी आप इसको भूल जाओगे। पर मैम दशा हाँ और वो जो सीक्वेंस है, मतलब दोनों ऑपोजिट है। दोनों अलग अलग हो गए ना हम लोगों के। वो टाइम पीरियड ले रहे हो आप लोग, वो हाँ टाइम पीरियड निकाल रहे हैं हम लोग, जी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ, अब हम ये निकालेंगे कि 11 नंबर की अगर दशा चल रही है तो 11 नंबर की दशा कितने टाइम पीरियड की साल है, की है, उसके बिल्कुल सालों लिए की हाँ है। हाँ उसके बिल्कुल, लिए हमें वो वाला प्रोसीजर लेना होगा जो ये आपने वाला बाद में प्रोसीजर बताया। सेकंड पोस्ट, आप इसको मैं या सेकंड लिख देती हूँ, है ना, सेकंड मेथड। जी 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 आप ऐसे इसको मतलब अपना कुछ भी अपनी लैंग्वेज में लिख लो। फर्स्ट मेथड अपने दशा अंतर दशा, सेकंड मेथड हम लोगों की दशा का टाइम पीरियड कितने साल का है, अपनी लैंग्वेज में उसको लिख दो ना, जो भी आप लोग लिखते होगे अपना हिसाब अब किताब। समझ आया थोड़ा थोड़ा। नहीं तो सब लोगों को समझ तो बहुत अच्छे से आ गया था। हाँ मैम, पर कंफ्यूजन फिर हो गया। प्रैक्टिकल अलग होता है, कोई बोले प्रैक्टिकल तो हाँ अलग हाँ होता है, करना बिल्कुल इजी होता है। बहुत हाँ इजी होता है, हाँ हाँ करना बहुत, बिल्कुल ठीक बिल्कुल। चार मैम शायद 2 बार लिखा गया, मैम 4 2 बार लिखा गया शायद। बढ़ गई मेरी। चल क्या नाम है, चंदन सर को प्रॉपर्टी लेने वाले हो क्या? एक्स्ट्रा अच्छा, 4 आ गया हो इसके लिए। गया ना, चार चौथा घर बढ़ गया ना, हाँ इससे जी, प्रॉपर्टी का, हाँ प्रॉपर्टी या गाड़ी गुड़ी लेने वाले हो क्या? चौथा घर बढ़ रहा है। हाँ जी, हाँ जी मैम, चलो सर कैसे हम लोगों बताया? का नहीं मैम, बस मेरे से गलती से लिखा गया, वो एक अपने आप ही लिखा अच्छा गया ना, वो 4 2 बार हो गया, घर का सुख हो गया, चौथा घर मेरी गाड़ी है, बढ़ रहा है वो, बढ़ती मात्रा बढ़ता क्रम हो गया ना मेरे से, एक बिना किसी उसके। हम लोग तो बस रैंडमली लिख रही थी, बढ़ गया चौथा घर भाई। चल रहा है ठीक मैम। है चल, एक नंबर है हम लोगों का, क्या चीज कैसे करना है मुझे इसका लगन मतलब इसकी सामने वाले की दशा दे दीजिए जी। एक एक तो शुरू दो होगी तीन ही होगी, दो एक से तीन तो एक शुरू बार होगी ही दो होगी। दो तीन, बढ़ता क्रम, दो तीन, बढ़ता बढ़ता क्रम ले लो, क्रम एंटी दो क्लॉक तीन चार, थोड़ा सा लिख लेती। उसके बाद आगे, अब इसकी अंतर अंतर दशा दशा, दे दीजिए मुझे, एक की, एक की 2 3 4, दो तीन चार, 2 3 4, 2 की 1, मतलब वही 12 तक, एक तक मैं चली जाऊंगी, है ना। अब दो आगे दो दो की तीन किस एक तरीके की तीन मेरे से चार हो गई पांच है? छः दो एक की मेरी बारह हो गई है, ग्यारह 1 12 11, दो की मेरी हो गई है, 1 11 10, एक 1 12 11, बारह बारह 2 11 10 9 दो 8 7, 8 7 6, तीन दो की दे दीजिए, तीन की किस तरीके से चलेगी? ये भी दो दो बैकवर्ड, एक 12 11, 2 1 12 2 1 12 11, 11 कोई पूरा आप चल 10 लो, या जी, 4 की बता दीजिए, 4 की 3 2 1, 3 3 2 1, 12 11, पांच की या बता दीजिए। बस 6 7 8 9 10 आगे गए। अब तो बिल्कुल अच्छे से दिमाग हो गया ना कि किस तरीके से हाँ दशा अंतर दशा हो गया हमारा। नहीं अब तो जितने सेट हुआ भी ना क्लास दिमाग में, हो, आप भी अब तो सही है, आप सही है हमारे। 6 7 8 9, मतलब इस तरीके से, मतलब मुझे अब दशा अंतर दशा करना आ गया। अब चलते हैं दशा के टाइम पीरियड पर कि ये दशा मेरी कितने साल की रहेगी, जी ठीक है। इस हाँ चार्ट में भरते हैं प्लेनेट, अभी पहले यहाँ पे ये कर लेते हैं क्योंकि प्लेनेट भरेंगे। अब इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे बोलिए, कोई भी क्वेश्चन इसमें, सुबह मैम कोई क्वेश्चन इसमें, सपना मैम नहीं मैम, नहीं, अभी तक किसी का तो भी कोई, अनीना मैम नहीं नहीं, अभी नहीं, किरण मैम कोई क्वेश्चन तो नहीं? मैम, समझ आ गया। 11 और 8 एक तरफ रख रही हूँ मैम मैं, चलिए 12, 12 पर आ जाइए। 12 अभी पर जब हम तो लोग चल रहे, क्योंकि 11 के लिए मुझे राहु की जरूरत पड़ेगी इसलिए अभी नहीं लिया मैंने, 12 पर चलते हैं। 12 का लॉर्ड कौन होता है हम लोगों का? जुपिटर, जुपिटर। जुपिटर जुपिटर हम लोगों का 12 का लॉर्ड है। चलना किस तरीके से है मुझे घटता घटता यहाँ क्रम, पर, मुझे क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज चाह घटते क्रम में जाना है। 12 क्लॉकवाइज, ये रहा मेरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 8। 7 साल की हुई इनकी, ये वाली पाइसिस की दशा दशा। जी, आगे मेष की दशा मेरी, मेष का लॉर्ड कौन हो गया मेरा? मंगल। बढ़ता क्रम मंगल एंड बढ़ता क्रम एक, ये रहा बढ़ता। मेरा। अब एक नंबर किधर लिखा है मेरे चार्ट के अंदर? ये रहा, 1 2 3 4, चार 4 कदम, जी, 3 आ गया यहाँ पर मेरा। अब अगली दशा मेरी आ गई किसकी? वृषभ की आ गई अगली दशा मेरी, वृषभ का लॉर्ड हो गया मेरा वीनस। कैसे चल रहा है मुझे? एंटी बढ़ता क्रम क्लॉकवाइज चल रहा है, बढ़ता एक क्रम 1 2 3 4 5, 5 4 हो गया हो मेरा गया यहाँ।
आ गई तीन की, आ गई मेरी जेमिनी की दशा चल गई है, जेमिनी का लोड मेरा मरकरी हो गया है, कैसे चलना है मुझे चार आगे? चार थ्री थ्री टू टू उल्टा चार, नहीं नहीं तीन सात साल, ये साल, ठीक ये साल चल रहे हैं। है चार की अगर बोलूं तो चार का लोड कौन हो गया मेरा? चंद्रमा। चल उल्टा चलेंगे मैम हाँ, चार का लोड ये रहा मेरा चंद्रमा, तो यहां तक मेरा सात हो गया, सात आठ आठ नौ नौ दस, दस सात पांच हो गया। वो थैंक यू। पांच का लोड मेरा सूर्य हो गया, क्लॉकवाइज तो उसी में चल रहा है बैठा है मुझे। नहीं मैम उसी में बैठा है ना सन पांच में यही लिखा हुआ है ना आपने अच्छा हाँ, हाँ सन हम लोगों का पांचवे, तो ये दशा मेरी हो गई 12 साल, 12 साल 12 साल की हो गई है ये हम लोगों की सेम, क्योंकि इसी में ही बैठी। आगे छह है मेरा मरकरी, मरकरी ये भी भी सेम बारह उसी में हम लोगों का बैठा है, ये बारह भी साल 12 साल। सात का लोड हुआ मेरा वीनस, तो सात का कदम क्या है मेरा? सात का कदम है मेरा एंटी क्लॉकवाइज, बढ़ते क्रम। सीधा हाँ जी ठीक है, तो हम लोगों का ये रहा एंटी क्लॉकवाइज, हम लोगों को इधर गिनते चल रहा है। तो एक, दो साल की हो गई इधर पर हम लोगों की, टू माइनस नहीं वन वन नहीं मैम सात, नहीं, एक मिनट, क्या सात ये से माइनस 12 हो गया, 12, 12 12, होंगी 12 12 माइनस एक, 11, 11 साल की हो गई है यहाँ। ठीक है ना, ये तो अभी ये निकला है सात। फिर भी इसमें कोई क्वेश्चन है तो प्लीज क्वेश्चन बोलिए, फिर भी अपनी तरफ से तो इजी तरीके से समझाया, फिर भी कोई दिक्कत तो बोलिए। नेक्स्ट ये ले लेती हूँ, फिर उसके बाद आप लोग करोगे प्रैक्टिस, नेक्स्ट में मैं आपको अंतरदशा दूंगी। हाँ ठीक है, दीजिए। अब इस चार्ट में सर प्लेनेट, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं रहती मैम? नहीं मैम 8 11 बताना है मुझे अभी नेक्स्ट में, और आपको अंतरदशा बताऊं। इसमें चार्ट, इसमें प्लेनेट दे दीजिए चंदन सर। दो में केतु है मैम सर छोड़ राहु केतु छोड़कर बोल दीजिए, तीन यहाँ में पर मेरा शनि कैंडल है। हाँ जी, आठ में मंगल राहु हाँ जी, सूर्य बुध शुक्र सूर्य बुध शुक्र 11 में गुरु जुपिटर। हाँ जी, और चंद्र 12 में मैं चंद्रमा 12 में। अब ये प्लेनेट आ गए, दशा क्या है इधर हम लोगों की? सीधी सीधी दशा है, एंटी क्लॉकवाइज दशा हम बिल्कुल लोगों की। पहली दशा मेरी क्या है? मंगल है, जी मंगल आ गया हम तो लोगों का। पहली दशा की अगर बात करी जाए तो ये आपकी मेष की दशा है, तो मेष की दशा बढ़ते किस तरीके से चलेगी हम लोगों की? एंटी क्लॉकवाइज क्रम चलेगी, तो आठ हो गया, दो तीन आठ साथ चलेगी हो मैम गया, सीधा आठ हो गया ना हमारा, आठ माइनस एक। पहली दशा कितने साल की आ गई मेरी? 7 साल, 7 साल की आ गई ना पहली दशा यहाँ पर मेरी। आपका एक का मंगल हुआ ना, तो मंगल मेरा यहाँ पर बैठा है, यहाँ से आठ, फिर ये 7 हो गया। अगली दशा चली मेरी ऋषभ की, हाँ ऋषभ जी का लोड हो गया मेरा वीनस, तो वीनस उल्टा मेरा यहाँ पर चलना बैठा हुआ है, किस तरीके से चलना है मुझे? एंटी क्लॉकवाइज, 9 हो चल गया आपका, एक ये भी 8 हो गया, एक बुध दो हाँ जी तीन चार पांच छह सात आठ, एक साथ की हो गई ये भी 7 साल की, ये भी 7 साल की हो गई ना हमारी, वृषभ की दशा थी ना, हाँ वृषभ जी हाँ जी की दशा थी, तो ये आपका यहाँ पर, चलो इससे तो 8 ही हुआ ये, ठीक है ना, इसका ही 7वां, ये 8वां हो गया। नेक्स्ट दशा आई मेरी मरकरी की, मतलब जेमिनी की दशा आ गई, अगली दशा मेरी, सात मतलब साल की हाँ जेमिनी की आठ दशा आ गई मेरी यहाँ पर, तो में से जेमिनी की वन दशा हम लोगों की, लोड कौन हुआ है मेरे चार्ट में? मैम लोड हुआ मेरा क्या ना, मरकरी मरकरी। ठीक है, अब ये किस ओके तरीके से मुझे चलना है? ये भी बिल्कुल बढ़ता एंटी सेवन क्लॉकवाइज, 7th हुआ। माइनस हाँ, वन अगली सिक्स आ गई मेरी 4 नंबर की दशा, चंद्रमा है यहाँ का लोड मेरा, उल्टा चंद्रमा चलेगी कहाँ यहाँ पे बैठा है मेरे चार्ट में? क्लॉकवाइज चंद्रमा बैठा है ये रहा। अब एक दो तीन चार तीन पांच चार छह सात सात आठ नौ आठ, 4 साल 4 साल, 4 साल किया, ये भी उल्टा चलेंगे पांच उल्टा के चलेगा ना। अब अगला जो मेरा लिए 5 है, 5 का लोड कौन है मेरा? सूर्य। अब यहां तक मैं चलूंगी, नौ 7 8 9 हो गया, नौ 9 1 8, 6 का लोड कौन हुआ मेरा? फिर से मरकरी हो गया यहाँ पर मरकरी मेरी, भाई इसकी दशा आ गई है, इसमें क्या करना है? इसमें भी मुझे क्लॉकवाइज चलना है, तो ये 7 8 9 10, अगला प्लेनेट मेरा कौन हो गया यहाँ पर? वीनस, 7 नंबर है, कैसे चलना है मुझे? एंटी क्लॉकवाइज चलना है सर, एक दो तीन, प्यारा जुपिटर नाइन्थ की ले रही हूँ। नाइन्थ कौन हो गया मेरा यहाँ पर? नाइन्थ का लोड मेरा हो गया जुपिटर, ये रहा मेरा जुपिटर, चलना क्या है मेरे को? एक दो तीन,
फिर 10 10 का लॉर्ड कौन हो गया मेरा, शनि। अब ठीक ये अपना शनि कहाँ पर बैठा हुआ है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो किस तरीके से मुझे यहाँ पर चलना है, है क्लॉकवाइज, सर, 7 1 8, वाइस, एट हो गया ना, ओके, 8 सात हुआ सात ना, उल्टा चलना है। 8 ही हुआ ना, आपका हो गया 7, 11 छोड़ती हूँ, 12, यहाँ पूरा सीक्वेंस ले लिया हमने। अब ये 12 मेरा, 12 का लॉर्ड कौन हुआ मेरा, जुपिटर। जुपिटर, 12 का लॉर्ड हुआ मेरा जुपिटर, कैसे चलेगा हम लोगों का यहाँ पर, उल्टा 12 से उल्टा मुझे कितना, तो हम लोगों का ये 12, एक दो 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 एक साथ माइनस ये चलो। आपका एक, ये बनती मेरी दशा के साथ। हाँ मैम जी, घटते क्रम में चलेगा ना, 12 तो ठीक है ना, घटते क्रम में ही तो चलाया, 12 12 से 11 में आया ना, से यहाँ पे ग्यारह आई ना, दो में ठीक से है घट ठीक गया, है, तो हुआ सॉरी ना सॉरी। हाँ ठीक है मैम, ठीक है, बिल्कुल मैं ही कर लूँ। मैम, थोड़ा सा दिमाग पजल हो जाता है हाँ करते वही करते ना, क्योंकि दो तीन चीजें हैं वो हो रही है ना, इसलिए। अब आप लोग इसको करो, नेक्स्ट में हम लोग दूसरी चीज देते हैं, ठीक ठीक है ठीक है। आ गया तो बढ़िया, नहीं तो लिखित में तो आता ही है, लेकिन फिर भी चलो भाई, आ गया तो लिखित में तो है आपके पास, किसी का भी कहीं गड़बड़ लग रही हो सॉफ्टवेयर में, मेरे पास लिखित में, मैं जब मर्जी देख के कर लूंगी जी, थोड़ी ये चीज है बस, बहुत तो हर चीज की दशा में फर्क होता है, हर किसी के होता है, लैपटॉप में आता ही है बिल्कुल थोड़ा होता है, बहुत। हम लोगों के चीज में आ जाता है, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वगैरह, सुबह जब हम लोगों की चीज हो रही थी ना, तब ये वही सर बोले लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अनायमल सेम था, लेकिन तब भी फिर भी कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही थी। ठीक है, अब आप लोग इसको करना, नेक्स्ट में मैं अंतरदशा लेती हूँ, और 8 12 8 11 मेरा रह गया। मैडम मैंने अभी कोटा चक्कर खोला हुआ है अपना, तो जैसे अभी उसमें 10 नंबर का लगन आया हुआ है कोटा चक्कर में, ठीक है, और 9वें घर में छठी राशि और केतु आया हुआ है, तो वो घर में छठी राशि केतु आया हुआ है, ठीक है सर, ये ठीक रहेगा। अच्छा है सर, कहीं ना कहीं हम लोगों की धार्मिक यात्रा के बारे में बताता है, हाँ जी हाँ जी, 12 डिग्री का अभी भाग्य चला हम हुआ। लोगों का प्राकृतिक जगह पर खुल रहा है जाकर, ट्रेवल हाँ जी हाँ जी हाँ जी के बारे में ये चीज बता, अच्छा हो गया 9वें घर के अंदर, तो हम लोगों का ये लोन समाप्त हाँ हो जी रहा है हाँ। कोई ना कोई सर, हम लोगों का मैं बता देना कल परसों क्या नाम है, सारे ग्रह उसी जैसे जन्म वाले थे, हाँ सेम जी, डिग्री बैंड हो गए सर कोई उसी लोन दिन। एंड, कोई लोन एंड होने का वक्त आ गया, 6 9 और केतु, हाँ लोन जी का हाँ जी एंड होगा सर किसी का, या किसी कोई कोई डिसीज का अंत होगा, भाग्य से एक कुदरती मदद के द्वारा अचानक से आराम आ गया मुझे, तो मैम ऐसा कुछ होगा सर। कोटा चक्र इसमें हो चुका है, ये जो बात कर रहे हैं कोटा नहीं, ये भी अभी पद्धति चक्र में, नहीं, इसमें नहीं है, वो अलग वैसे ही मैं बता रही हूँ, कोटा चक्र इसमें नहीं, है, ये अलग है। मैम अलग किस है। में बता रहे हो, छोटा नहीं वो चक्र? सर मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, बस मैं वही बता रही हूँ सर को, कोटा अच्छा चक्र ठीक पद्धति का, ठीक ठीक ओके, थैंक यू ठीक मैम, नमस्कार, है, चलो थैंक ठीक है, यू। ठीक ठीक है।